हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हरी मटर छिले हैं और गोभी है। गोभी को अच्छे से साफ कर लिया है। हरी मटर और गोभी को हम क्रश करेंगे। आपके पास जो भी हो क्रश करने की मशीन, कद्दूकस हो या फिर जो भी हो, चॉपर आता है और इसको चिली कटर, जो भी उसके उसके थ्रू इतना ही बारीक करना है। गोभी चिली कटर से बड़ा आसानी से हो जाता है। इसके बाद चिली कटर में ही डालेंगे मिर्च अपने हिसाब से, और ये थोड़े हरे लहसुन है और सूखी लहसुन, और इसको खूब अच्छे से क्रश कर लेना है। फिर ये चावल का आटा, चावल के आटे को गर्म पानी से गूंथेंगे, उससे बाइंडिंग अच्छी बनती है। हल्का सा गुनगुना कर लेंगे पानी। थोड़ा सा टाइम लगता है चावल के आटे को गूंथने में, और इसका डो थोड़ा टाइट ही बनाएंगे। देखिए, एकदम डो इसका टाइट बना हुआ है। चिली और गार्लिक इन सबको अच्छे से कट कर लिया है, और ये है धनिया और सोया आता है, सोया, हाँ उसको, जितना धनिया होगा उतना ही सोया भी होगा। तो बस दोनों को अच्छे से एकदम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करना है हमें। देखिए, बिल्कुल इस तरह से चॉप करना है। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, पर आसानी से हो जाता है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह चॉप कर लिए हैं। और रख दिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है तेल, सरसों का तेल, आपके पास जो भी तेल अवेलेबल हो। और डाल देंगे इसमें जीरा। जीरा जब तड़क जाएगा तो उसके बाद जो हमने लहसुन और मिर्च का चॉप किया है ना, वो डाल देंगे अच्छे से। ये भी पकाएंगे। पकाने के बाद डाल दिया है वो सोया और धनिया जो चॉप किया था वो, इसको भी अच्छे से पकाना है मिक्स करके। देखिए, ऑलमोस्ट ये इस स्टेज पे पक चुका है। तो डालेंगे हरी मटर, साबुत हरी मटर डालेंगे इसमें। जब मटर अच्छे से पक जाए तो फिर डालेंगे वो क्रश किया हुआ गोभी। गोभी को अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से इसको पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाए तो डालेंगे धनिया, सॉरी धनिया नहीं, हल्दी, एक चम्मच हल्दी। और डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ही गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डालना है। गरम मसाला डालने के बाद डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है, उससे क्या फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और कोई भी मसाला नहीं डालना है इसके अंदर। लास्ट में डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद अच्छे से इसको पका लेंगे। ये देखिए, इसका फिलिंग अच्छे से रेडी हो चुका है। और वही आटा है ना जो चावल का, उसी को इस तरह से बनाएंगे। लोई बनाने के बाद हाथ से ही थोड़ा पतला करेंगे, उसके बाद फिलिंग को डालेंगे अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा फिलिंग डालेंगे। और इसको अच्छे से बंद करना है इसका मुंह, नहीं तो फट जाता है। तो अच्छे से इसका मुंह बंद करेंगे, किनारे किनारे हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये फारा होता है ना, ये बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से सारे फराव को बना लेंगे। और रख दिया है उबलने के लिए पानी,
बड़े से भगोने में। और ये छलनी है, हम इसको स्टीम करेंगे, तो बस इस स्टीम के स्टीमर के अंदर इसको डाल देंगे, जितना हो सके उतना डाल देंगे। 10 या 15 मिनट बाद चेक करेंगे इसको, देखिए पक चुका है। तो बस ये खाने के लिए रेडी है, इसको कर लेते हैं कट। आप चाहे तो इसको हल्का सा तेल में फ्राई कर सकते हैं, पर ये बहुत ऐसे बहुत ही टेस्टी लगता है, इसको फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये हेल्दी है, और तेल में फ्राई करने से तो समझ ही रहे हैं कि कितना अनहेल्दी हो जाता है तेल। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।